हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। दिस इज सृष्टि अग्रवाल। तो मैं आप सभी क्लास नाइन्थ के स्टूडेंट्स के लिए लेकर आई थी वर्कबुक्स के सॉल्यूशन, जिसमें हम साइंस, मैथ और इंग्लिश की वर्कबुक के सॉल्यूशन देख रहे थे। तो इससे पहले हमने सब्जेक्ट साइंस का बेसलाइन असेसमेंट देखा था। तो अगर आपने नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट से चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे वर्कशीट फर्स्ट, कार्यपत्र वन का सॉल्यूशन। तो यहाँ पर क्वेश्चन फर्स्ट है, प्रकृति में कौन कौन से पंचतत्व हैं? पंचतत्व हैं वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल व आकाश, जिससे मिलकर के किसी भी मनुष्य का निर्माण हुआ है। पदार्थ के कण कौन सी ऊर्जा के कारण गतिशील होते हैं? गतिज ऊर्जा के कारण। थर्ड क्वेश्चन है, कमरे के एक कोने में अगरबत्ती जलाने पर पूरे कमरे में सुगंध का फैलना कौन सी प्रक्रिया का उदाहरण है? विसरण। पदार्थ अत्यंत छोटे छोटे किससे मिलकर बना होता है? कणों से मिलकर के कोई भी पदार्थ का निर्माण होता है। फिफ्थ क्वेश्चन है, अवसादन से आप क्या समझते हैं? किसी तरल में उपस्थित कणों का जमीन पर आकर बैठ जाना अवसादन कहलाते हैं। जब भी आप जल में किसी चीज़ को मिलाएंगे तो आप देखेंगे जो कण है वो नीचे की ओर ठहर जाते हैं, ऊपर ऊपर जल रहता है, तो ये क्या होता है? अवसादन। आटे में उपस्थित सूक्ष्म अशुद्धियों को छलनी से छानकर पृथक किया जाता है, पृथक्करण की इस विधि को किस नाम से जाना जाता है? हस्त चयन विधि या हस्त चयन विधि भी बोल सकते हैं। सेवन क्वेश्चन है, पदार्थों के पृथक्करण की निष्पादन विधि से आप क्या समझते हैं? अपने शब्दों में लिखिए। किसी मिश्रण से अवयव को पृथक करने की विधि को निष्पादन कहते हैं। कोई मिश्रण है जिसमें से आप उन मुख्य जो अवयव है उनको अलग कर रहे हैं तो वो क्या कहलाता है? निष्पादन। तो ये डन होता है आपका वर्कशीट फर्स्ट का सॉल्यूशन। उम्मीद है आपको सभी क्वेश्चन के आंसर अच्छे से समझ आए होंगे। फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब हम देखेंगे वर्कशीट सेकंड का सॉल्यूशन, कार्यपत्रक दो का सॉल्यूशन। फर्स्ट क्वेश्चन है, भंगुरता किसे कहते हैं? जब किसी पदार्थ को प्रतिबलित करने पर या पीटने पर यदि विकृत होने के बजाय टूट जाए तो पदार्थ के इस गुण को भंगुरता कहते हैं। जैसे सोने को पीटते हैं तो वो टूटता नहीं है, वो एक चादर के रूप में हो जाता है। इसी तरह से किसी चीज़ को अगर तोड़ रहे हैं हम और वो टूट जाए विकृत होने की बजाय तो वो क्या होता है? भंगुरता। ड्राइवर सीट के सीट बेल्ट में पदार्थ के कौन से गुण का उपयोग किया जाता है? यह पदार्थ के जड़त्व के गुण का उपयोग किया जाता है। जलीय जीव जंतु जल में रहने के दौरान किस प्रकार की ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं? जल में घुली हुई ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। अगर जल में कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा हो जाती है तभी जो है जलीय जीव जंतु के लिए हानिकारक हो जाता है और जलीय जीव जंतु की मृत्यु हो जाती है। इसी के लिए बोलते हैं कि जल में जो घुलनशील पदार्थ नहीं है उन्हें नहीं डालना चाहिए। तो यहाँ पर जो ऑक्सीजन होती है उसी के कारण जो जल में जीव जंतु है वो जीवित रह पाते हैं। घुलित तो ऑक्सीजन पदार्थ की कौन सी अवस्था के विसरण को दर्शाता है? लिक्विड को। एलपीजी का पूरा नाम, द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। पदार्थ के कण एक दूसरे को परस्पर क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। सेवेंथ क्वेश्चन है, पदार्थ के कण निरंतर होते हैं, क्या होते हैं? गतिशील होते हैं। तो ये डन होता है आपका वर्कशीट सेकंड कार्यपत्रक दो का। पहले हम देखेंगे कार्यपत्रक तीन का सॉल्यूशन, जिसमें क्वेश्चन फर्स्ट है, पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है? नाम लिखिए। पदार्थ की तीन अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव, गैस। तो आपको नोट डाउन करते हुए जाना है अपने वर्कशीट में। सेकंड क्वेश्चन है, ठोस अवस्था की कोई तीन विशेषताएं लिखिए। आकार निश्चित होता है, आयतन निश्चित होता है, ठोस को अधिक संपीड़ित नहीं किया जा सकता। संपीड़ यानी अग्नि, उसे दबाया नहीं जा सकता, ठीक है। वह तापमान जिस पर ठोस पिघलकर द्रव में बदल जाता है क्या कहलाता है? गलनांक। वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर द्रव उबलने लगता है क्या कहलाता है? क्वथनांक। क्वेश्चन फिफ्थ है, ऊर्ध्वपातन की परिभाषा लिखो। जब किसी पदार्थ को ठोस अवस्था में गर्म किया जाता है तो वह बिना द्रव में बदले सीधे गैसीय अवस्था में बदल जाता है और ठंडा करने पर बिना द्रव अवस्था में बदले सीधे ही ठोस अवस्था में आ जाता है, इसे ही ऊर्ध्वपातन कहते हैं। सिक्स क्वेश्चन है, शुष्क बर्फ का सूत्र लिखो, ठोस CO2। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। सेवन क्वेश्चन है, बर्फ को फ्रीज से बाहर निकालने पर पिघल जाती है, ऐसा किस ऊष्मा के कारण होता है? गुप्त ऊष्मा के कारण। तो ये डन होता है वर्कशीट थर्ड का सॉल्यूशन, कार्यपत्रक तीन का सॉल्यूशन। अब देखेंगे कार्यपत्रक चार। क्वेश्चन फर्स्ट है, बर्फ से भरी पानी की बॉटल की बाहरी सतह पर जल की बूंदों का दिखाई देती है। आपने देखा होगा बॉटल के चारों तरफ छोटी छोटी बूंदें दिखाई देती हैं, तो कारण स्पष्ट कीजिए क्यों दिखाई देती है। क्योंकि वायुमंडल में उपस्थित जल वाष्प बोतल की ठंडी सतह के संपर्क में आकर संघनित हो जाती है और बोतल की बाहरी सतह पर जल की बूंदों के रूप में दिखाई देती है।
सेकंड क्वेश्चन है, पदार्थ की कोई दो विशेषताएं लिखिए। पदार्थ सूक्ष्म कणों से मिलकर बना है, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील रहते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, क्या कारण है गर्मियों के दिनों में सूती कपड़े पहनने की सलाह दी जाती है। सूती कपड़ों में जल का अवशोषण अधिक होता है, इसलिए हमारा पसीना इसमें अवशोषित होकर वायुमंडल में आसानी से वाष्पीकृत हो जाता है, इसलिए गर्मियों में सूती कपड़े पहनने की सलाह दी जाती है। फोर्थ क्वेश्चन है, गुब्बारे को धूप में रखने पर फट जाता है, ऐसा किस कारण से होता है, स्पष्ट कीजिए। धूप की उच्च गर्मी गुब्बारे के अंदर की गैस को फैलाती है और गैस के अधिक फैलने से गुब्बारा फट जाता है। तो आप ये सिंपली प्रैक्टिकल अपने घर पर कर सकते हैं। दिए गए चित्र में तीर द्वारा इंगित भागों के नाम लिखें, तो आपको इसके भाग लिखने हैं। देखिए भागों के नाम लिखने, जैसे सबसे पहले रुई का प्लग हो गया, यहाँ पर उल्टी रखी कीप है, ठोसीकृत अमोनियम क्लोराइड जो अंदर की ओर दिख रहा है आपको, चीनी मिट्टी की प्याली है, बर्नर रखा है, अमोनियम क्लोराइड की वाष्प बन रही है। ठीक है, तो इस तरह से इसे नामांकन करना था। तो ये डन होता है कार्यपत्रक चार का सॉल्यूशन। तो यहाँ हमने पहले कार्यपत्रक पाँच का सॉल्यूशन देखेंगे। प्रश्न संख्या वन है, वायुमंडल में वायु का संघटन वृत्ताकार आरेख द्वारा प्रदर्शित कीजिए। तो यहाँ पर इस तरह से आरेख द्वारा आपको दर्शाना है कि 21% ऑक्सीजन, 78% नाइट्रोजन, अन्य गैसें हैं, 0.03 कार्बन डाइऑक्साइड है। तो इस तरह से आपको वृत्ताकार जो आरेख है वो बनाना था। मिश्रण की परिभाषा लिखिए, दो या दो से अधिक शुद्ध तत्वों और यौगिकों के मिलने से मिश्रण बनता है। थर्ड क्वेश्चन है, समांगी एवं विषमांगी मिश्रण की छटनी कीजिए। समांगी मिश्रण होता है जल, चाय, शरबत, दूध। विषमांगी मिश्रण होता है तेल व पानी का मिश्रण, सल्फर एवं लोहे की चूर्ण का मिश्रण। मिश्र धातु किसे कहते हैं, दो या दो से अधिक धातु या धातुओं से मिलने से बनने वाली धातु को मिश्र धातु कहते हैं। पीतल किन किन धातुओं की मिश्र धातु है, तांबा व जस्ता अर्थात सीयू और जिंक का। तो ये डन होता है कार्यपत्रक पाँच का सॉल्यूशन। अब देखेंगे कार्यपत्रक छः का सॉल्यूशन, जिसमें क्वेश्चन फर्स्ट है, विलयन बराबर आपको क्या लिखना है, इसका बताना है कि किस तरह से टूटेगा। उपरोक्त अभिक्रिया को पूरा कीजिए, विलयन से बनेगा विलय, धन विलायक। सेकंड क्वेश्चन है, टिंचर आयोडीन विलयन में विलय एवं विलायक को पहचानिए। आयोडीन में होगा विलय, एथिल एल्कोहल में होगा विलायक। विलयन किसे कहते हैं, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। एक विलयन के 320 ग्राम विलायक जल में 40 ग्राम साधारण नमक मिले है, विलयन की सांद्रता का परिकलन कीजिए। विलयन की सांद्रता हो जाएगी परसेंटेज में विलय धन विलय अपॉन विलयन इंटू 100। तो ये फॉर्मूला है सांद्रता निकालने का। तो देखिए यहाँ पर विलय 40 ग्राम है, विलयन है 320 प्लस 40 ग्राम। ठीक है, दोनों को जोड़ देंगे, यहाँ पर 360 ग्राम हो जाएगा टोटल। देन हो जाएगा विलयन की सांद्रता 40/360×100। तो यहाँ 100/9 जिसको निकाल के हम प्राप्त होगा विलयन की सांद्रता 11.1%। क्वेश्चन फिफ्थ है, विलयन के गुणधर्म लिखिए। विलयन एक समांगी मिश्रण है, विलयन के कण अत्यधिक छोटे होते हैं इसलिए वे आंखों से नजर नहीं आते हैं। अपने छोटे आकार के कारण विलयन के कण गुजर रही प्रकाशीय किरणों को नहीं फैलाते हैं। तो ये डन होता है कार्यपत्रक छः का सॉल्यूशन। तो यहाँ हमने देखा